हेलो एवरीवन, जेनेसिस एक नया डॉक्यूमेंट नंबरिंग सीरीज़ का कॉन्सेप्ट लेके आया है। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कि हम इस नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, पहले ये जान लें कि ये कॉन्सेप्ट जेनेसिस क्यों इंट्रोड्यूस किया है। जीएसटी के साथ साथ गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट नंबरिंग के कुछ नए रूल्स भी लेके आए हैं। नंबरिंग के रूल्स कुछ इस तरह है, नंबरिंग स्कीम में मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स ही अलाउ होंगे। डॉक्यूमेंट के जो नंबर है वो GST IN वाइज यूनिक होना होगा, और उसके साथ गवर्नमेंट हमें एक छूट देता है कि हम एक साथ एक ही GST IN में मल्टीपल डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम चला सकते हैं। इन नए रूल्स के आ जाने की वजह से ऐसा हो सकता है कि यूज़र कुछ मिस्टेक्स करने लगे। इन्हीं मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए जेनेसिस ये कुछ नए नंबरिंग के कॉन्सेप्ट लाया है, जिससे कि आपके रिटर्न फाइलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नए डॉक्यूमेंट नंबरिंग सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जेनेसिस ने इंट्रोड्यूस किया है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन साइट्स हैं उनमें हमें एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन करना होगा। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हम इन साइट्स में असाइन करेंगे उसे 3 कैरेक्टर्स का होना पड़ेगा, उसे यूनिक होना होगा। वो सेम आईडी हम किसी और साइट में असाइन नहीं कर सकते हैं। हम अल्फ़ाबेट भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, और हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होगी, GST के इनवॉइसेस बनाने के लिए हमें हमारे कनेक्टेड साइट में ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करना होगा। अगर हम ये डॉक्यूमेंट नंबर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर कनेक्टेड साइट के लिए इनवॉइस नहीं बना पाएंगे। आइए देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारे सॉफ्टवेयर में कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। एडमिन मॉड्यूल में ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के अंदर हमें ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जाना होगा। OU सिलेक्ट करके हमें ऑर्गेनाइजेशन साइट विंडो में जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉलम ऐड हुआ है। हमारे सारे साइट्स के लिए हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करना होगा। आइए हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करते हैं। मैंने अल्फ़ाबेट भी यूज़ किया है, नंबर भी यूज़ किया है। आप सिर्फ नंबर या सिर्फ अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं। जेनेसिस आपको रेकमेंड करती है कि आप साइट का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर उस साइट के लोकेशन के अकॉर्डिंग ही रखें। फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता पार्क स्ट्रीट के लिए KPS, कोलकाता राजरहाट के लिए KRJ, दिल्ली वसंत कुंज के लिए DVK। इस तरह लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम साइट का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर सेट करेंगे तो मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। प्लीज़ नोट करिए, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर साइट में एक बार असाइन करने के बाद हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट नंबरिंग में हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं अपने सॉफ्टवेयर में। यूटिलिटीज़, डॉक्यूमेंट सेटिंग्स, नंबरिंग स्कीम। आपके कन्वीनियंस के लिए जेनेसिस ने पहले से ही कुछ डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम्स बना के दिए हैं, जैसे GST रिटेल सेल, GST रिवर्स इनवॉइस, GST टैक्स इनवॉइस। जेनेसिस ने ना सिर्फ ये डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम बनाया है बल्कि उनको उनके रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स के साथ टैग भी कर दिया है, जैसे GST टैक्स इनवॉइस, परचेज रिटर्न डेबिट नोट, ट्रांसफर आउट और सेल्स इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है, तो इन तीनों मॉड्यूल से ये टैग भी हो गया है। सिमिलरली हमारा रिवर्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, कंसाइनमेंट इनवॉइस, सर्विस इनवॉइसेस के लिए एप्लीकेबल है, तो ये उन चारों मेनू में टैग हो चुका है। सिमिलरली GST रिटेल सेल हमारे वेब के GST आउटपुट सप्लाई डॉक्यूमेंट्स के साथ टैग किए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट नंबरिंग को हमने मेन्यू के साथ तो टैग किया ही है, साथ ही साथ हमने इसे साइट में भी एलोकेट कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी नए डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम्स हैं वो ऑटोमेटिकली साइट से टैग कर दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो आप कुछ नए GST एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम्स खुद बना भी सकते हैं। आइए हम अब एक GST आउटवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल नंबरिंग स्कीम जनरेट करते हैं। डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम क्रिएट करते समय हमने एक नया चेकबॉक्स इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज GST आउटवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल। अगर ये चेकबॉक्स हमारा चेक रहता है इसका मतलब ये है कि ये नंबरिंग स्कीम हमारा GST आउटपुट सप्लाई एप्लीकेबल नंबरिंग स्कीम है, जिसे हम GST आउटपुट सप्लाई एप्लीकेबल इनवॉइसेस के लिए यूज़ कर सकेंगे। ये रहा हमारा न्यूली क्रिएटेड नंबरिंग स्कीम। GST आउटपुट सप्लाई एप्लीकेबल नंबरिंग स्कीम्स को हम सिर्फ
जीएसटी एप्लीकेबल इनवॉइस मेन्यूज़ के साथ ही टैग कर सकते हैं। अगर हम उसे किसी और मेन्यू के साथ टैग करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम हमें अलर्ट देगा। लाइक सपोज सेल्स इनवॉइस हमारा जीएसटी एप्लीकेबल मेन्यू है, तो इसके साथ हम इस पर्टिकुलर नंबरिंग स्कीम को टैग कर पाएंगे। पर अगर हम साइड स्टॉक ट्रांसफ़र, जो हमारा है एक जीएसटी एप्लीकेबल मेन्यू नहीं है, अगर हम उसके साथ इसे टैग करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये अलर्ट आएगा। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट स्कीम डजेंट मैच विद जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस मेन्यू, के नॉट टैग। हमें टैग करने से रोक दिया जाएगा क्योंकि ये जो मेन्यू है ये हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। आइए अब देखते हैं कि हमारे कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन मेन्यू हैं जो जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं और उनके कंडीशंस क्या क्या है। ये सारे हमारे जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपको मेन्यू के नाम मिलेंगे और यहाँ पे उनके कंडीशन जब वो जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई के लिए एप्लीकेबल होते हैं। सेल्स इनवॉइस, जब भी हम किसी इनवॉइस में जीएसटी को चार्ज करते हैं वो जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई की तरह कंसिडर किया जाता है। ट्रांसफ़र आउट में हमें जीएसटी को चार्ज करना पड़ता है और उसका जीएसटी आइन सोर्स और डेस्टिनेशन का अगर अलग हो तब वो हमारा जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई के लिए एप्लीकेबल होता है। परचेज रिटर्न में जब भी हम जीएसटी को चार्ज करते हैं वो हमारा आउटवर्ड सप्लाई में कंसिडर किया जाता है। अनमैनेज स्टोर सेल और ई कॉमर्स फुलफिल्ड बाई सेलर सेल, इनमें हम कोई भी अगर आइटम में हम जीएसटी को चार्ज करते हैं तब ये हमारा जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। और परचेज इनवॉइस और सर्विस इनवॉइस में जब भी हम रिवर्स जीएसटी चार्ज करते हैं तब हम उसे जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई की तरह कंसिडर करते हैं। हमारे ये जितने भी मेन्यू हैं इनको हम तभी एक्सेस कर पाएंगे अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन साइट पे उसका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, नहीं तो यूज़र को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा वो किसी भी मेन्यू में ट्रांजैक्शन करने से। आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर में हमने कैसे रिस्ट्रिक्ट किया है। पहले हम ऐसे साइट को कनेक्ट करना चाहेंगे जहाँ पर हमने जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं प्रोवाइड किया था। सिंस मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन साइट में कनेक्टेड हूँ जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया था, अगर अब मैं इसमें कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल मेन्यू को ओपन करती हूँ तो हमारे पास ये अलर्ट आएगा, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर द कनेक्टेड साइट, प्लीज़ स्पेसिफाई द सेम इन ऑर्गेनाइजेशन साइट मास्टर एंड देन ओपन द मेन्यू। इसका मतलब है हमें कनेक्टेड साइट में डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को देना होगा, उसके बाद ही हम ये मेन्यू में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगर हम किसी ऐसे साइट को सिलेक्ट करते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट नंबरिंग प्रोवाइड किया है हमने तो हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। हम अब परचेज इनवॉइस आराम से बना सकते हैं, हमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया था इस साइट में। आइए अब हम एक जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल इनवॉइस बनाते हैं। सेल्स इनवॉइस, जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल इनवॉइस बनाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम भी जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल ही सिलेक्ट करना होगा। सिंस हमने टर्म में जीएसटी चार्जेस को लिया है ये हमारा इनवॉइस जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल हो जाता है। डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम जो क्रिएट हुआ है उसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स जो है वो हमारा साइट का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है एंड बाद में हमारा स्कीम डॉक नंबर है। सपोज अगर गलती से यूज़र जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई नॉट एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम सेलेक्ट कर लेता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे सॉफ्टवेयर में वो देखते हैं। यूज़र के पास एक अलर्ट आएगा, यू आर डूइंग जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम सिलेक्टेड फॉर द सेम इज़ इनअप्रोप्रिएट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम है वो जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई नॉट एप्लीकेबल है, वेयर एज जो हम लोग इनवॉइस क्रिएट करें दैट इज़ जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल, इसलिए यूज़र को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ओके क्लिक करने पर हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट नंबरिंग के लिस्ट आ जाएंगे जो जो जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई के लिए एप्लीकेबल है। यूज़र इसे सिलेक्ट करके इनवॉइस को सेव कर सकता है। इसी तरह अगर यूज़र जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई नॉट एप्लीकेबल इनवॉइस बनाता है तो उसे डॉक्यूमेंट नंबरिंग सीरीज भी वैसा ही सिलेक्ट करना होगा जो जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई के लिए नॉट एप्लीकेबल हो। सेल्स इनवॉइस को छोड़कर और बाकी के हमारे जितने भी जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी में ये सेम चेक्स लगाए गए हैं। हमारे जो वेब के जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी वही चेक लगाया गया है जो आपको प्रीवियस सेक्शन में समझाया गया था। डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेनेसिस के पास, उसमें से जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं वो जेनेसिस आपके साथ शेयर करना चाहेंगी।
हमारे जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम है उनका क्या होगा? हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट नंबरिंग स्कीम्स हैं वो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, हेंस आप उनको नॉर्मल जीएसटी इनवॉइसेस के लिए नहीं यूज़ कर पाएंगे, बट आप उनको बिल ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या हमारे एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शंस जो ओल्ड नंबरिंग सीरीज में बने हैं वो ईज माई जीएसटी में सिंक हो पाएंगे? अगर आपके एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन का नंबरिंग 16 कैरेक्टर्स या उससे कम है और जीएसटी आईएन वाइज यूनिक है तो वो आपके ईज माई जीएसटी से ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएंगे। जेनेसिस ने जो न्यू नंबरिंग सीरीज प्रोवाइड किया है इसकी वजह से मल्टीपल नंबरिंग सीरीज जनरेट हो सकते हैं। क्या हमारा गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउ करता है? उसका आंसर है यस। गवर्नमेंट सिर्फ चाहता है कि जीएसटी आईएन वाइज नंबरिंग यूनिक हो, हम मल्टीपल सीरीज यूज कर सकते हैं। जीएसटी के टैक्स इनवॉइसेस और बिल्स ऑफ सप्लाइज के हमारे डिफरेंट नंबरिंग सीरीज चलेंगे, क्या ये अलाउड है? हाँ, गवर्नमेंट हमें अलाउ करता है कि हम जीएसटी के टैक्स इनवॉइसेस और बिल्स ऑफ सप्लाई के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं। क्या हमारे बिल्स ऑफ सप्लाई सीरीज़ का कोई लिमिट या कोई रेस्ट्रिक्शन है? अभी तक गवर्नमेंट ने बिल्स ऑफ सप्लाई के नंबरिंग सीरीज़ के लिए कोई रूल या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई किया है, बट स्टिल जेनेसिस आपको सजेस्ट करता है कि आप उनको भी 16 कैरेक्टर्स तक ही लिमिटेड रखें। आप एक एग्जिस्टिंग जीएसटी टैक्स इनवॉइस को मॉडिफाई करके सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो सॉफ्टवेयर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसके कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। फर्स्टली, आपने प्रीवियसली जो डॉक्यूमेंट नंबरिंग सिलेक्ट किया हुआ था वो या तो 16 कैरेक्टर से ज़्यादा हो सकता है। सेकेंडली, ऐसा हो सकता है कि जो नंबर जनरेट किया गया हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसी सेम जीएसटी आईएन में। इन सभी सिनेरियो में सॉफ्टवेयर आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा उस ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट को सेव करने से। आपको वो इनवॉइसेस को फिर से बनाना होगा आपके नए नंबरिंग स्कीम को सिलेक्ट करके। ये था डॉक्यूमेंट सीरीज कॉन्सेप्ट फॉर जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ जेनेसिस प्रोडक्ट टीम।